और अब बात पंजाब की, जहां पर ड्रग्स नेक्सस में एक हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस एमएलए सुखपाल खेरा, जिनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी साल अप्रैल महीने में सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया था कि पंजाब में कई सालों से बंद पड़े लिफाफे अब उनके पास पहुंच गए हैं और सख्ती से कानून के अनुसार इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खेरा की गिरफ्तारी उसी कड़ी में एक बड़ा कदम है और क्यों इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के खेरा गिरफ्तार तो आपसे क्यों तकरार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ड्रग्स गिरफ्तारी और बवाल, पंजाब सियासत में भूचाल। एमएलए सुखपाल खैरा गिरफ्तार, शुरू हो गई सियासी तकरार। मुर्दाबाद शराबी, मुर्दाबाद। खैरा के खिलाफ कितने सबूत, शुरू हुई आर पार की लड़ाई। व्हाई आर यू प्रेसिंग माय अरेस्ट? तुझे केस है तो सुपीरियर ऑफिसर खड़ा हुआ। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आए ये है कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा। दोस्तों तुसी देख रहे हो आ पंजाब दे विच जंगल दा राज, बदलाखोरी दा राज, क्योंकि भगवंत दा मैं मुखालफत करदा, आ मेरे खिलाफ कर रहा, मेहताब मेरा बेटा पिछे है ना, तू संपर्क कर सकदे। पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह कार्रवाई करते हुए भूलत विधायक और कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा को चंडीगढ़ में सेक्टर 5 स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। मेरी सब नु अपील है, चिंता नहीं करनी, इदा दे 50 बदला खुद दे केस पहला लड़े, आराम नाल लड़ूंगा, मेरे च दम हैगा, पर आ इना दी करतूत देख लो, मैनूं चंडीगढ़ तो अरेस्ट करके। सुखपाल सिंह खैरा पर लगभग 7 साल पुराना एक मामला चल रहा था, जिसमें एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने खैरा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। उन्हें आज गिरफ्तार कर जलालाबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पुलिस ने उनके 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की इजाजत दी। पुलिस ने आज उन्हें चंडीगढ़ स्थित उनके घर से एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस खेरा के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर देखिए जिसमें खेरा गिरफ्तारी से पहले अपने घर पर किस तरह पुलिस से सवाल जवाब कर रहे थे। वो सबूत मांग रहे थे कि उन्हें किस बिना पर अरेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने सारा जलालाबाद तो चल के चंडीगढ़ मेरे से 5 घर यूपी च जिहड़ी यूनियन टेरिटरी है जिथे गवर्नर का राज है पंजाब का, विधायक और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक के बाद आखिरकार पुलिस उन्हें अपनी जीप में बिठा कर ले गई। लेकिन खैरा चुप बैठने वालों में से नहीं है, उन्हें एक बार फिर मौका मिला और एक बार फिर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर दिए। ये पुराना केस है 2015 का, FIR नंबर 35 NDPS की है, बड़ा सीरियस केस है, और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज रूल्ड इन माय फेवर कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, FIR नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉश की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने।
ड्रग्स का आखिर कौन सा मामला है जिसमें सुखपाल सिंह खैरा को अरेस्ट किया गया है वो समझिए। उससे पहले ये जानिए कि आखिर सुखपाल सिंह खैरा है कौन। सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के विधायक है। उनका जन्म जनवरी 1965 में पंजाब में हुआ था। सुखपाल दिग्गज अकाली नेता और पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री सुखजिंदर सिंह खैरा के बेटे हैं। सुखपाल खैरा भुलत सीट से 3 बार के विधायक हैं। इसके साथ ही वो भारतीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पुलिस का कहना है कि सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ ड्रग तस्करी में एनडीपीएस एक्ट का एक पुराना मामला था जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अरेस्ट किया गया। 1800 ग्राम हेरोइन की हुई थी बरामदगी। ड्रग्स तस्करों के पास से सोने के 24 बिस्किट जब्त। 26 कारतूस के साथ 2 हथियार भी बरामद। ड्रग्स गैंग से पाकिस्तान के 2 सिम कार्ड भी मिले। इस मामले में 31 अक्टूबर 2017 को फाजिल्का कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी करार दिया था। खैरा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने निजी सचिव के फोन से तस्करों से बात भी की थी, जिसका एक चार्ट भी पुलिस ने जारी किया था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि सुखपाल सिंह खैरा कब कब और किस तरह से फोन पर ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे। सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ईडी ने इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी का आरोप था कि सुखपाल सिंह खैरा ड्रग्स मामले में सहयोगी और पासपोर्ट रैकेट में सहयोगी थे। साथ ही सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि 2015 में एनडीपीसी एक्ट के तहत ये मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन थे। खैरा के खिलाफ 2015 में जिस एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तारी हुई है वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कार्रवाई का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल खैरा को राहत देते हुए ये भी कहा था कि पुलिस चाहे तो इस मामले की आगे भी जांच कर सकती। फाजिल्का ड्रग्स तस्करी मामले में सेशन जज के आदेश पर 13 अप्रैल 2023 को एक एसआईटी का गठन होता है। पंजाब पुलिस के डीआईजी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ। इसी आधार पर पंजाब पुलिस ने सुखपाल खैरा को गिरफ्तार किया। इस मामले में बाकी ड्रग्स तस्कर और गुरुदेव सिंह को पहले 10 साल की सजा हो चुकी। तस्वीर में आप गुरुदेव और सुखपाल सिंह खैरा को एक साथ एक मंच पर देख सकते हैं। सुखपाल खैरा गुरुदेव का बेहद करीबी माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि सुखपाल खैरा अब तक राजनीतिक संरक्षण से इस मामले में खुद को बचा रहे थे, लेकिन अब यह मामला राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि खैरा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पंजाब की राजनीति में एक्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं आप इसे कानूनी कदम बता रही है। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खैरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। मैं इसकी निंदा करता हूं, जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है। सुखपाल सिंह खैरा की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आ गया। आम आदमी पार्टी के नेता मालविंदर सिंह कांग ने खैरा की गिरफ्तारी पर कहा कि पंजाब के लोग लंबे अरसे से नशाखोरी का शिकार रहे। खैरा को एसआईटी की जांच में नशा तस्करी में संलिप्त पाया गया, इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में कानून के मुताबिक पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। सीधा सीधा मामला नशा तस्करी का और कानून का है। आम आदमी पार्टी ते फेयरली इन्वेस्टिगेट कर रही है और मामला कोर्ट के सामने रख रही है। ऑनरेबल कोर्ट दुध का दुध पानी का पानी कर दूगा। जो फैक्ट है वो सामने आया कि सुखपाल सिंह खैरा का उच्च इन्वॉल्वमेंट। सो जहां तक इंडिया लाइंस की बात है, डेफिनेटली करप्शन हो या ड्रग तस्करी का मामला हो, आम आदमी पार्टी कहीं कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। वो अलग विषय है, ये अलग विषय। जब से मान साहब की सरकार आई है, कोई भी मामला जो सीआरपीसी है उसके
अगेंस्ट जाके हम नहीं कर रहे, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। ये पंजाब पुलिस ने देखना है, ऑनरेबल कोर्ट्स ने देखना है। हमारा काम है फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसी तरह का पक्षपात न किया जाए। आप सरकार इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है, जिसके बाद पंजाब में घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस ने सुखपाल सिंह खैरा को हिरासत में लिए जाने को लेकर इसको बदले की कार्रवाई का प्रमाण करार दिया है। वहीं पर कांग्रेस ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, और इसी तरह सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह से पंजाब में हो रहा है, उसका इंडिया गठबंधन पर आने वाले समय में कितना असर पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गठबंधन में रार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वाकई आने वाले दिनों में खैरा की गिरफ्तारी कुछ ऐसा मोड़ ले सकती जो इंडिया गठबंधन में दरार की नई वजह न बन जाए। चंडीगढ़ से विशाल अंग्रेज और अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।